हरदोई के शाहबाद तहसील मुख्यालय पर पटरी दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। समाज सेवी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। अपनी समस्याओं को लेकर 150 की संख्या में पहुंचे पटरी दुकानदार। उपजिलाधिकारी ने बुधवार पटरी दुकानदारों को हटाने के निर्देश दिए थे। हरदोई के शाहबाद तहसील मुख्यालय पर पटरी दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लगभग 150 की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन किया। शाहबाद तहसील मुख्यालय पर समाज सेवी बसंत गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 150 की संख्या में पटरी दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाज सेवी बसंत गुप्ता ने बताया कि उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और अधिशासी अधिकारी के द्वारा बुधवार पटरी दुकानदारों को हटाया गया था। दुकानदारों को निर्देश दिया गया था कि बृहस्पतिवार से नवीन गल्ला मंडी में सभी पटरी दुकानदार अपनी दुकान लगाएंगे, लेकिन पटरी दुकानदारों का कहना है कि नवीन गल्ला मंडी में उनकी माल की बिक्री नहीं होगी। इन्हीं समस्याओं के लेकर आज समाज सेवी बसंत गुप्ता के नेतृत्व में लगभग 150 की संख्या में पटरी दुकानदार अपनी मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी कपिल देव यादव से मिलने के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी बात कही। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय शाहबाद और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, रेहड़ी अल्लाहपुर तिराहे पे फल विक्रेताओं के पास जो फुटकर एक एक किलो दो दो किलो फल बेचते हैं, उनसे कहा गया कि नवीन मंडी स्थल में आप ठेली लगाएंगे। तो वहाँ पे तो होलसेल का काम होता है, जो रिटेलर है वहाँ पे क्या करेगा जाके। इसी मांग को लेकर अपनी समस्याओं को अवगत कराने हम उपजिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम लोग फुटकर विक्रेता पटरी के ऊपर लगाते हैं और हम लोगों से मांग की गई कि दुकानें यहाँ से हटाई जाए और नवीन गल्ला मंडी के अंदर लगाई जाए। अगर नवीन गल्ला मंडी के अंदर लगाई जाएगी तो मेरे लोगों को कारोबार में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कारोबार एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पटरी पे हर जगह लग रही है तो हम लोगों को पटरी पे जगह दी जाए और जो मौजूदा दुकानें हैं इनके पास वो दुकानों पे अपनी लगा सकें। तो क्या मांग को लेकर यहाँ आए, किससे मिलने आए हैं? यहाँ पे करीबन 200 पब्लिक इकट्ठी हुई है जो मैन ठेली लगाने वाले व्यक्ति हैं। तो एस डी एम साहब से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई सर। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।